कृष्णा यादव सड़क किनारे अचार बेच खड़ा कर ली चार कंपनियां। जी हां, आज है 4 करोड़ का टर्नओवर। कृष्णा की मेहनत और संघर्ष के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की रहने वाले कृष्णा यादव की, जिनका परिवार आज से लगभग 30 साल पहले सड़क पर आ चुका था, लेकिन कृष्णा यादव अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपने उस छोटे से अचार के बिजनेस के द्वारा अपना सालाना टर्नओवर आज 4 करोड़ तक पहुंचा चुके हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह की है कि कृष्णा के पति ने गाड़ी का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वो नहीं चल पाया। इसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें मजबूरन अपना घर तक बेचना पड़ा। एक दिन जब कृष्णा घर में बैठी हुई थी, तभी वो दूरदर्शन पर चैनल पर आ रहे अचार बनाने की विधि को उन्होंने देखा और सीखा। टीवी पर यह भी देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि से संबंधित चीजों का फ्री में प्रशिक्षण दिया जाता है। तभी कृष्णा को लगा कि उनकी खेत में जो भी सब्जियां हैं, इनमें से जो कुछ खराब हो जाती हैं, इससे अच्छा है कि खराब होने से पहले उनका अचार बना दिया जाए और उसे बेच दिया जाए। इसके बाद कृष्णा ने कृषि विज्ञान केंद्र से अचार और मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग ली। अचार बनाने की विधि सीखने के बाद कृष्णा ने सबसे पहले 2 किलो अचार बनाया और अपने पति को बेचने के लिए कहा। और हालांकि उस वक्त कृष्णा को किस्मत का साथ नहीं मिला और उनका अचार नहीं बिका। इसके लिए उनके पति ने कृष्णा को बहुत सुनाया भी। इसके बावजूद कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी और तभी उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने सोचा कि जब वो सड़क के किनारे सब्जियां बेचेंगे, तभी हर ग्राहक को वो अचार देंगी और कहेंगे कि इसका स्वाद अच्छा लगे तो आप हमें जरूर बताइएगा। कृष्णा ने बताया कि वो अचार बेचने के लिए खुद सिलबट्टे पर पीस कर उसका मसाला तैयार करती थी। पढ़ाई करने के बाद इनके बच्चे भी इनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे कृष्णा के द्वारा बनाया गया अचार लोगों को पसंद आने लगा और इनका छोटा सा बिजनेस आगे बढ़ चला। और जब इनका अचार का बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो कृष्णा ने फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। लाइसेंस मिलने के बाद इन्होंने श्री कृष्णा पिकल्स की शुरुआत की। सड़क पर सब्जी बेचकर कृष्णा आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं कि दिल्ली हरियाणा समेत उनकी 4 कंपनियां हैं और अब उनका बिजनेस काफी आगे बढ़ चुका है। यही नहीं, कृष्णा के कंपनी का टर्नओवर अब 4 करोड़ के पार हो चुका है। कृष्णा की मेहनत और लगन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।